फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देविका। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगी आप कैसे बिगर फुलर लिप पा सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर कैसा हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ये गलती करते हैं कि लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद लिप लाइनर अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। एंड इस तरीके से हाल हो जाता है उनका, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। तो आज जो मैं हैक्स एंड स्टेप बताऊँगी आपको, उस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग टाइम स्टे भी करेगी एंड बहुत अच्छा रहेगा। तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमेशा हमें वैसलीन अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राई लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो आपकी जो लिपस्टिक है वो क्रैक हो जाएगी। तो कौन कौन से स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें लेना है लिप बाम। आप कौन सा भी लिप बाम ले लीजिए या वैसलीन अप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से पूरे लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर ले। उसके बाद आपको टूथब्रश लेना है एंड इस तरीके से आप ले लीजिए जो भी होगा, एंड जेंटली मसाज करना है माउथ के कॉर्नर के यहाँ पे भी। बहुत लोगों को माउथ के कॉर्नर के यहाँ ब्लैक भी होता है एंड वहाँ की स्किन सेंसिटिव भी होती है, तो हल्का हल्का सा इस तरीके से ब्रश कर ले तो जो भी डेड स्किन होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट लगेंगे। तो जो भी वैसलीन थी वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है लिप्स पे एंड हमारे लिप्स हो गए हैं एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ। अब आ जाता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आज आप कौन सा भी कंसीलर ले लीजिए। यहाँ पर मैंने मिस क्लेयर का कंसीलर लिया है। मेक श्योर आप थिक कंसीलर लीजिए, लिक्विड बिल्कुल भी ना यूज़ करें। तो इस तरीके से हम लिप्स को बोलते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, शेप देंगे, क्योंकि हमारे जो ऊपर के लिप्स है, अपर लिप्स, वो छोटे हैं। तो इस तरीके से हम बॉर्डर कर लेंगे अपने लिप्स के आजू बाजू में एंड बाकी का जो भी था वो हम अपने पूरे लिप्स पर अप्लाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें बिगर फुलर लिप्स भी मिलेंगे इस तरीके से, एंड जो भी हमारे लिप्स थोड़े से ब्लैक होते हैं, पिगमेंटेशन है, वो हाइड हो जाएगी एंड जो लिपस्टिक का कलर है जो है वो उभर के आएगा हमारे लिप्स के ऊपर। क्योंकि कभी कभी हमारे लिप्स जो होते हैं काले, उसके वजह से जो लिपस्टिक का एक्चुअल कलर होता है वो नहीं आ पाता है, लेकिन इस तरीके से ये स्टेप करने से आपके लिपस्टिक के ऊपर अच्छे से वो कलर आ जाएगा। सेकंड गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत ही लाइट कलर से लिप लाइनर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसके बदले आपको करना क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो थर्ड स्टेप ये है, आप कौन सा भी डार्क कलर का लिप लाइनर ले लीजिए एंड इस तरीके से पहले एक्स कर लीजिए, इस तरीके से एक्स फॉर्म। उसके बाद स्लोली स्लोली जो भी हमने बॉर्डर क्रिएट किया था उस पे हम लाइन करेंगे एंड ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो फेक लगेगा। तो इस तरीके से ऊपर एंड नीचे दोनों लिप्स पे हम अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे एंड हल्का हल्का मैंने उसे फिल भी कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको लेना है कोई भी लिपस्टिक। यहाँ पर मैं लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ NYBAE की। एक्सेस जो भी है वो हम रिमूव कर देंगे एंड इस तरीके से एप्लीकेटर के हेल्प से पहले हम जो भी बॉर्डर था वहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप लिपस्टिक लिक्विड वाली यूज़ करते हो, एक्सेस हमेशा रिमूव करें, नहीं तो कैसा है, एकदम चिपका हुआ लिपस्टिक या पैची या क्रैक वाला हो जाएगा आपका लिप्स। तो मेक श्योर आप जो भी एक्सेस लिपस्टिक है उसे रिमूव कर दीजिए, उससे पहले बॉर्डर ड्रॉ कर ले अपने लिप्स के ऊपर एंड जो भी बचा हुआ है वो अपने अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई कर ले। उसके बाद अगर आपका लाइक कुछ मिस्टेक हो गया है, ज़्यादा लग गया है, तो आप कंसीलर के हेल्प से उसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इससे जो आपके लिप्स है वो लिपस्टिक है वो बहुत ही अच्छी लगेगी एंड लिप्स है वो काफ़ी मतलब फोकस उसका वहीं पे रहेगा, डिफाइन लगेंगे आपके लिप्स, बहुत ज़्यादा डिफाइन। तो उसे और डिफाइन करने के लिए हम आगे और क्या करेंगे। तो नेक्स्ट आप फिंगर के हेल्प से जो भी एक्सेस था वो रिमूव कर लीजिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फिंगर पे जो भी एक्सेस था वो आ गया, तो आपके टीथ में नहीं लगेगा। फिफ्थ स्टेप ये है कि आप इस तरीके से हाइलाइटर अप्लाई कर लीजिए
अपने ब्रो बोन पे एंड चिन के ऊपर। हल्का हल्का मैंने लिपस्टिक पे भी अप्लाई कर लिया है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अप्लाई कर लीजिए या छोड़ सकते हैं ऐसे ही। तो इस तरीके से आपके लिप्स काफ़ी बिगर एंड फुलर लिप्स लग रहे हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको और इसे डिफाइन करने के लिए आप कॉन्टर ले लीजिए, कॉन्टर पाउडर होता है ब्रॉन्जर, उसे ब्रो बोन पे एंड लिप्स के नीचे अप्लाई कर लीजिए। इसके वजह से आपके जो लिप्स है वो और डिफाइन लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है, तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही डिफरेंस है अभी, एंड हमारे लिप्स बहुत ही एक नेचुरल लुक दे रहे हैं। सो आई होप गाइस आपको आज का ये जो हैक था ये बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको बिगर फुलर लिप्स पसंद है एंड तो आप ये वाले स्टेप फॉलो कर सकते हैं सारे, जिससे आपके लिप्स फुलर बिग लगेंगे एंड बहुत ही एक नेचुरल लुक देगा। तो बहुत ही ईजिली आप ये कर सकते हो घर पर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।